गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके, वेरी गुड. फाइन ऑल आर फाइन, दैट वेरी गुड. गुड मॉर्निंग, नमस्कार केविन. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए माधव, यस मैम. एक मिनट बेटा. चलिए माधव, गायत्री मंत्र बोलिए. एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. चलिए माधव, से गायत्री. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. यस, ओके. नाउ टेल मी एवरीवन, मैंने आपको कल 5 और 6 का टेबल दिया था. 5 और 6 का टेबल दिया था मैंने आपको, यस और नो? 6 एंड 7 का है ना? यस, 6 एंड 7 का. चलिए ओके, चलिए माधव, 6 का टेबल आप ही सुनाइए मुझे. चलिए यस माधव, स्पीक द टेबल ऑफ 6 बेटा. से यस माधव. माधव आप मुझे 6 का टेबल सुनाएंगे बेटा? यस मैम. 6 1 6 6 2 3 6 6 18 6 5 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 10 60. यस, वेरी गुड, ओके. नाउ क्रियांश. यस मैम. प्रियांश प्लीज से द टेबल ऑफ 7 बेटा. ओके मैम. 7 1 7 7 0 7 1 7 7 0 0 7 7 2 7 2 14 7 3 याद नहीं. 7 3 जा कितना बोला प्रियांश आपने? 21. Seven eight 56. Yes. 7 9 63. 7 10 70. Very good beta, very good. अब आप एक बार सब रिपीट करेंगे, मैं बोलूंगी और आप लोग चेक बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? चलिए पहले 6 का टेबल करेंगे, फिर हम 7 का करेंगे, ठीक है? 6 1 जा यस, 6 2 जा आरव, 6 2 जा 8 होता है, 6 3 जा
सिक्स थ्री जा 24 कौन लिख रहा है पुलत से बेटा सिक्स थ्री जा वेरी गुड दक्ष इज सिक्स थ्री जा 21 क्रियांश सिक्स थ्री जा 24 नहीं सिक्स फोर जा अभी जिनके से मिस्टेक आएगी केवल मैं उन्हीं का ही नाम लूंगी अगर जो सही टाइप कर रहे हैं उनका नहीं लूंगी सिक्स फोर जा दक्ष धेदारिया नॉट 18 जिज्ञासा सिक्स फोर जा बेटा ओके सिक्स फाइव जा सिक्स सिक्स जा सिक्स सेवन जा सिक्स एट जा सिक्स नाइन जा सिक्स टेन जा यस वेरी गुड ओके नाउ टेबल सेवन सेवन वन जा गुड सेवन टू जा ओके सेवन थ्री जा सेवन फोर जा सेवन फोर जा 21 ध्रुवा पटेल सेवन फोर जा बेटा क्रियांश सेवन फोर जा केविन सेवन फोर माधव सेवन फोर जा बेटा अभी यस सेवन फाइव जा एक पॉज लीजिए बेटा आरव 25 नहीं नॉट 25 इट्स अ 35 बेटा सेवन सिक्स जा सेवन एट जा सेवन एट जा एट एट पे हम लोग ओनली एट पे बेटा अभी कोई नाइन का नहीं लिखेगा जस्ट एट यस सेवन नाइन जा सेवन नाइन जा एंड लास्ट सेवन टेन जा वेरी गुड एक्सीलेंट सेवन नाइन जा 79 दक्ष दिदारिया ओके देन 70 लिखा है चलिए ओके नाउ मूव ऑन द टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन क्या किया था प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने राइट इन अ चैट बॉक्स What we have done? Yes, pattern. Good. Okay. क्या कहता है पैटर्न कहता है नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न पैटर्न के कितने टाइप्स होते हैं आरव ने एक नया इन्वेंट किया है फाइव पैटर्न फिफ्थ पैटर्न आरव ने इन्वेंट किया है मैम ने तो फोर ही बताए थे आरव ने एक फिफ्थ पैटर्न जो है नया इन्वेंट किया है ओके बच्चा कोई बात नहीं चलिए ठीक है क्लियर सभी को अभी कल वाले में किसी को कोई डाउट हो तो बेटा चैट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यू हैव अ डाउट कल कुछ ऐसा वैसे हार्ड एंड वो था नहीं कल इतना टफ कुछ था नहीं पैटर्न इतना हार्ड है भी नहीं बेटा है ना चलिए नाउ कम टू द पेज नंबर 152
बेस नंबर 152 पे आ जाएंगे सर, ठीक है। 152 पे एक आई कैन एक्सरसाइज है, आई कैन है ना, वो एक्सरसाइज आप होमवर्क में करेंगे। क्या है वो एक्सरसाइज? आई कैन फॉलो द पैटर्न टू हेल्प द रैबिट टू गेट द कैरेट, ठीक है। आपको सी यहां पर आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं, पहले सर्कल, देन ट्रायंगल, देन स्क्वायर एंड देन अगेन सर्कल। आपको रैबिट को उसकी कैरेट तक ले जाना है, रैबिट को उसकी कैरेट तक ले जाना है ये पैटर्न फॉलो करते हुए। यानी पहले आप सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, वापस से आप सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, यही पैटर्न फॉलो करते हुए आप रैबिट तक उसकी कैरेट को पहुंचाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस और नो? डन, वेरी गुड, इफ डन देन वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक वार्म अप है आपके पेज नंबर 153 में। वार्म अप पे कुछ भी नहीं है, ये हम कल कर चुके थे। वार्म अप पे एक हाउस दिखा रखा है, उस हाउस की जो रूफ है वहां पे ये पैटर्न है, देखिए इस तरह का, तो कुछ नया नहीं है, बस वो बता रहा था कि घर में भी देखिए किस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न, ओके। नाउ एक्सरसाइज 1 पे आ जाइए अब आप लोग, ये सब हो चुका था। एक्सरसाइज 155 पेज नंबर 155 एक्सरसाइज 1, ओके। सी यहां पर ए पर कुछ पैटर्न है, ठीक है, और इधर एक फ्लावर है, सनफ्लावर है, इधर पिकॉक के फेदर है, और इधर आप देख सकते हैं बी हाइव्स हैं, मधुमक्खी का छत्ता है ना। अब आपको मुझे बताना है कि जो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो किससे मैच करेगी। 1.1 एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो किससे मैच करेगी, टू क्यों लिख रहे हैं बेटा? फर्स्ट, इधर जो फर्स्ट आपको सनफ्लावर दे रखा है वो सनफ्लावर ए बी सी में किससे मैच करेगा? सनफ्लावर ऑफकोर्स सी से मैच करेगा, यस, सनफ्लावर सी से मैच करेगा, ओके। नाउ बी में आप देख सकते हैं, यू कैन सी द फेदर ऑफ द पिकॉक, है ना, पिकॉक के फेदर है उसमें बहुत सुंदर, और वो किससे मैच कर रहे हैं? ए से। नाउ थर्ड वन इज बीहाइव्स। अब ये बीहाइव्स की जो पैटर्न है किससे मैच कर रही है? यस, ऑब्वियस है, बी से, ठीक है। चलिए इसी की एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, ये कर लीजिए बेटा। If you have done, write in a checkbox B. अगर आपको हो चुका है तो आप checkbox में D लिखेंगे। चलिए Now move on the exercise 1.2. Look at the pattern in each flower. Copy it on the second flower of each set. क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको एक flower दी है। Done? चलिए ये देखिए, इस फ्लावर को ऐसे इन्होंने ठीक है, और उसके साइड में ही आपने सेकंड फ्लावर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको फर्स्ट फ्लावर में इस तरह से करके दे रखा है, बहुत इजी है। सेकंड में आपको यही पैटर्न फॉर्म करना है, देखिए सेकंड में प्लेन फ्लावर है, आपको यही का ही पैटर्न फॉर्म करना है। ये देखिए बहुत इजी है, नथिंग इज स्पेशल इन दैट, ठीक है। इसका भी आप होमवर्क में करेंगे, इसका भी आप होमवर्क में करेंगे, क्लियर? यस और नो? यस।
चलिए नाउ पैटर्न विथ शेप्स। सी इसमें आप एक बेडशीट देख सकते हैं ग्रीन कलर की, यहाँ पे ना एक ग्रीन और एक देखिए पैटर्न है इसके अंदर, है ना। देखिए कलर भी है और बेड शेप्स भी है। कलर कैसे है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और शेप्स भी अलग अलग है। शेप्स में क्या कर दिया, शेप्स में साइज भी डिफरेंट कर दिए, है ना। इवन शेप्स में हाँ साइज डिफरेंट है, शेप ऐसे सर्कल ही है, नहीं शेप्स भी डिफरेंट है। ग्रीन वाले में कुछ रेक्टेंगल टाइप है, रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप, क्लियर। तो चलिए मेकिंग पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न यूजिंग डिफरेंट साइज और शेप, आपको क्या करना है, एंड रिपीटिंग पैटर्न बाय टर्निंग द शेप। बहुत इजी है बेटा, आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें डिफरेंट साइज और डिफरेंट साइज ऑफ अ शेप, किसी भी शेप के डिफरेंट साइज हो। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये हमने कल किया था, ये एक पैटर्न है हमारा, सेट है, इट्स अ सेट ऑफ वन पैटर्न। नाउ रिपीट दिस, इसको रिपीट कर लीजिए बुक में, बुक में ऐसा दे रखा है तो आप ऐसा कर दीजिए, सी वन बिग देन स्मॉल, वन बिग देन स्मॉल, क्लियर। यस राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, यस और नो, क्लियर और नॉट। यस सेकंड में आपको क्या कह रखा है, रिपीटेड पैटर्न बाय टर्निंग शेप। टर्निंग मतलब टर्न कर देना है हमें शेप को, ठीक है, बाय टर्निंग शेप। ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें ऐसे बनाया हुआ है, सी एक बार आपको ट्रायंगल ऐसे दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस तरह से देखिए टर्न कर दिया ट्रायंगल, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये देखिए यहाँ ये भी टर्निंग ही है, ठीक है, ये अगेन ये टर्निंग है। यस माधव राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, प्लीज टाइप योर डाउट इन अ चैट बॉक्स। ओके नाउ रिपीटेड पैटर्न यूजिंग टू डिफरेंट साइज एंड शेप। अब आपको क्या करना है, अब जो पैटर्न बनाना है पेज नंबर 156, अब जो आपको पैटर्न बनाना है उसमें टू डिफरेंट साइज और शेप, साइज भी डिफरेंट होने चाहिए और शेप भी। देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं, आपको समझना है ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट पैटर्न में ये मैम खाना बनाना है, कहाँ बनाना नहीं है आपको पैटर्न, जस्ट देखना है बेटा, ठीक है माधव। पेज नंबर 156 पे आपको देखना है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है माधव। सी जैसे हम मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलू रिपीटेड पैटर्न यूजिंग टू डिफरेंट साइज एंड शेप, तो मैंने आपको क्या बोला, रिपीटेड पैटर्न यूजिंग टू, पहली बात तो टू डिफरेंट साइज और शेप, यानी आपको दो पैटर्न बनाने हैं साइज और शेप डिफरेंट करते हुए। तो सी पहले तो आप हम वो दो पैटर्न ढूंढेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप, पहले मान लीजिए पहले तो हम साइज कर लेते हैं, सी साइज डिफरेंट हो गए, अभी वो बोल रहे हैं शेप भी डिफरेंट होनी चाहिए, सी यहां पर शेप भी डिफरेंट है, एक रेक्टेंगल है तो दूसरा सर्कल है और साइज भी डिफरेंट है, ये देखिए। नाउ रिपीट दिस, क्लियर ये सभी को, यस राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, आप चैट बॉक्स में यस नो कर दीजिए ताकि मुझे एक आइडिया पता चल जाता है कि ये क्लियर है कि नहीं है सभी को, जो बोल रहे हैं उसी को आपको अगर फॉलो करोगे तो ये कुछ भी नहीं है, बस जितना बोला जा रहा है उसमें उतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज रिपीटेड पैटर्न यूजिंग डिफरेंट शेप्स,
different shape. एंड ओरिएंटेशन. अब ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक तरह से दिशा, है ना. ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा. जैसे इसको कैसे समझेंगे हम? सी, आपकी बुक में है, जैसा आपकी बुक में मैं वैसा ही कराऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. सी, यूजिंग डिफरेंट शेप. शेप डिफरेंट हो गई, एक हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल कह लीजिए और एक स्क्वायर है, शेप डिफरेंट हो गई. विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है. ये इधर की तरफ है, ये इस तरफ है. ओरिएंटेशन सी, एक पैटर्न ही हो गया. अब देखिए इसमें ये हाफ सर्कल का ओरिएंटेशन इधर है जबकि ये सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन उधर है. तो क्या हुआ? शेप्स भी डिफरेंट हो गए, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो गए. ये एक सेट हो गया. नाउ रिपीट दिस सेट. समझ आया ये वाला आपको? यस और नो? यस एवरीवन. चलिए तो आपको बेसिक इसमें क्या करना है, अभी तो आपके सामने था, ठीक है. आपको क्या करना है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में केवल इतना सा है, यूजिंग डिफरेंट शेप्स ओरिएंटेशन, यानी कि एक ऐसा पैटर्न बनाइए जिसमें शेप्स भी डिफरेंट हो, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो. तो आपको पता होना चाहिए कि फिर वो पैटर्न क्या है. समझ आया? जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, शेप डिफरेंट, सी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो गया, ये ट्राइंगल इधर जा रहा है और ये ट्राइंगल इधर जा रहा है. Then repeat it. Yes, clear or not? देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे. एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मेक अ पैटर्न विद यूजिंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है. या फिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, मान लीजिए मैं आपको इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे देती हूँ एंड देन आई आस्क यू, इज दिस अ पैटर्न ऑफ डिफरेंट शेप डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट शेप सेम ओरिएंटेशन. समझ आए आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे? राइट इन अ चेक बॉक्स बेटा. यस माधव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्स? यस बेटा, समझ आया सभी को? कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग टाइपिंग. ये पैटर्न सभी को समझ आया? क्या कहना चाह रही थी, क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, ये सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है. तो आज आप एक एक्टिविटी करेंगे, मैंने कल भी बोला था. सी, अब आप एक्टिविटी करेंगे, आप कुछ भी अरेंज करके आप मुझे ये बताएंगे कि ये किस तरह, मतलब ये पैटर्न कौन सा वाला है, ठीक है. आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें. Now my screen is not cracking, beta Ruhi. Now am I visible and audible properly, bachcha? Yes. See, good. तो अब आप इससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या करेंगे, आप कुछ भी फॉर्म करेंगे लेकिन आप मुझे बताएंगे कि मैम ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, या फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन विद डिफरेंट शेप है. आप इस तरह के पैटर्न खुद बनाएंगे, ठीक है. चलिए नाउ मूव ऑन द एक्सरसाइज टू ऑन पेज नंबर 156 पे हम पेज नंबर टू पे ही है बेटा.
what comes next in each pattern take the shape on the right. A में क्या कर रखा है आपको, एक ऐसे एक एरो ऊपर, देन अदर एरो इज इन डाउनवर्ड्स, देन अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स, एक अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स. तो नेक्स्ट किधर आएगा, डाउनवर्ड्स की अपवर्ड्स? क्रॉस तो आ रहा, आंसर ही नहीं है. यस नेक्स्ट डाउनवर्ड आएगा, ये कर लीजिए आप. इसमें जो सेकंड वन फर्स्ट वन है वो करेक्ट है. यस इसमें बी देखिए, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर देन सर्कल. नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट? Obviously, square. Clear? Next, इसी में सी देखेंगे आप. कुछ स्माइलीज हैं. एक स्माइली जो है हैप्पी है, एक स्माइली जो है सैड है, अगेन एक स्माइली है हैप्पी है, देन नेक्स्ट स्माइली जो है सैड है, अगेन एक स्माइली है हैप्पी है. तो नेक्स्ट आएगी सैड आएगी हैप्पी आएगी, ऑफ कोर्स सैड आएगी. सैड ये कुछ ज्यादा ही सैड हो गई है ना, बहुत ज्यादा नाराज हो गई है. चलिए इसको थोड़ा ही सैड करते हैं, ठीक है. इसी में एक्सरसाइज 2.2 आप होमवर्क के अंदर करेंगे, 2.2 आप होमवर्क के अंदर करेंगे. ओके नाउ सी, ये हो गया सभी का. नाउ एक्सरसाइज 2.3. अब 2.3 को देखेंगे आप. देखिए ए में क्या कर रखा है. अच्छा मुझे बताइए इसमें क्या क्या फॉलो क्या कर रखा है, इसके अंदर इसमें क्या इंक्रीज क्या हो रहा है ये बताइए. चलिए मुझे इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, लाइंस. वेरी गुड, ये पैटर्न होंगे. अब आपको नेक्स्ट लाइन कितने कितनी लाइंस की बनाना है, नेक्स्ट 5 लाइंस का. गुड यस. Now come to the B. B में क्या हो रहा है, सी वन ट्राइंगल है. फिर देखिए जो वन ट्राइंगल है ना, इसके इधर एक ट्राइंगल मेक है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है फिर, सॉरी बेटा ऐसे नहीं है ये, ठीक है. इसके रिवर्स कर दिया एक ट्राइंगल, जस्ट रिवर्स है, ये ऐसे था इसको ऐसे कर दिया. तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अगेन उसको सीधा कर देंगे, ठीक है. और अगेन नेक्स्ट में फिर रिवर्स. अब नेक्स्ट क्या आएगा, राइट सॉरी रिवर्स आएगा कि नहीं आएगा, या अपवर्ड डाउनवर्ड्स कर सकते हैं. अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड देन अपवर्ड की डाउनवर्ड. यस एवरीवन, राइट इन अ चैट बॉक्स. नो डाउनवर्ड बेटा, डाउनवर्ड कहां आएगा, नेक्स्ट अपवर्ड आएगा, यहां पर जो आएगा नेक्स्ट. ये देखिए ये ट्राइंगल, इसकी जो आपने कॉर्नर है ये अपवर्ड किया, इसमें डाउनवर्ड किया, इसमें अपवर्ड किया, इसमें डाउनवर्ड, नेक्स्ट अपवर्ड आएगा. क्लियर? चलिए इसका सी और डी आप होमवर्क में करेंगे बेटा. ये ऐसा कोई अभी कुछ ऐसा हार्ड नहीं आया बेटा, जब इसमें नंबर आते हैं ना तब पैटर्न हार्ड होता है, ठीक है. चलिए तो आज आपका इतना ही है पैटर्न के अंदर.
ठीक है। यस क्रियांश, राइट इन अ चैट बॉक्स बेटा, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन अ चैट बॉक्स। यस एनी डाउट इन दिस सेशन, किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट, ओके देन। चलिए अब आप अटेंडेंस देंगे मुझे और उसके बाद यू कैन लेफ्ट। अगर आज किसी आज वाले में किसी को कोई डाउट नहीं है प्लीज गिव मी द अटेंडेंस। वेट बच्चा एक मिनट, चल इवन आप लोगों ने उल्टा पढ़ाते पढ़ाते ही कर लिया होगा सॉल्व, क्योंकि अभी इतना हार्ड पैटर्न आया ही नहीं है। उलट से री राइट इन अ चेक बॉक्स बेटा। धर्म रूही दक्ष आयु, आर यू एब्सेंट है आज? माधव मनस्वी द्विज नव्या प्रियांश किरण निर्मित मिस्ट्री देवेश त्रिषा पटाड़िया नक्ष पटाड़िया आरव पटेल ध्रुवा पटेल हस्ती पटेल नित्या रच श्लोक सांझा केविन जिज्ञासा साक्षी शर्मा श्रद्धा हमें भी नंबर एक मिनट बेटा ध्रुवा वामझा एक मिनट श्रद्धा एब्सेंट ध्रुवा वामझा एब्सेंट यस रूही बेटा चलिए सब लेफ्ट हो जाइए आपका लेक्चर जो है ओवर हो गया है इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन स्टे हियर यस ध्रुवी डाउट है पेज नंबर बोलिए पेज नंबर 157 हाँ कौन से वाले में डाउट है बताइए बी वाले में बी वाले में आपको क्या करना है एक ट्रायंगल आपने ऊपर बनाया रूही ये के बाद देखिए एक ट्रायंगल नीचे बनाया देखिए आप ट्रायंगल की नोक देखिए ट्रायंगल की नोक देखिए ऊपर गई फिर नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे गई एक बार आप बनाइए नहीं आएगा तो फिर कल मुझसे पूछ लेना ठीक है बेटा ओके मैम ओके बेटा नाउ एवरीवन बाय